मंत्रा में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2022 की सभी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, तो कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो कट ऑफ का एनालिसिस करने वाला हूँ किस बेस पे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बेस है वो अटैम्प्ट का बेस है, यानी कि अटैम्प्ट पे मैंने एवरेज निकाला। और आपको पता है कि मैं सभी एग्जाम के एनालिसिस करता रहता हूँ, बस क्या है ना एसएससी का जो प्रोसेस है कि उन्होंने रिव्यू ना डालने के लिए बोला है, तो मैं कोई एनालिसिस डाल नहीं रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने भी एग्ज़ाम दिया, बहुत सारे कैंडिडेट से कांटेक्ट करने के बाद, सेंटर पे जाने के बाद, कितना एवरेज उन लोगों का आ रहा है, कितना अटैम्प्ट कर रहे हैं, वो सब देखने के बाद मैंने एक कटऑफ बनाई है। ठीक है, और आपको पता है कि इस बार जो है आप वैकेंसी भी अच्छी खासी हैं, यानी कि 20,000 प्लस वैकेंसी हैं। तो अब पेपर तो ये आपको पता है कि पेपर का लेवल काफ़ी ईजी आ रहा है, लेकिन आप ये सोचिए जब ईजी पेपर होता है तो गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें पता चला गलत हो गई तो, और फिर इसके नंबर ऐड तो होने नहीं है, आपको पता है कि सीधा सीधा मेंस के नंबर ऐड होने हैं। तो इसमें इजी है, टफ है, उससे कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि पेपर का जो लेवल है वो आप समझो पिछले वर्ष की अपेक्षा हल्का लेवल है। अब कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि लगभग वैकेंसी जो है वो 37,000 के आसपास हो जा रही है, तो लेकिन ये 37,000 का तो कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है 20,000 प्लस वैकेंसी है ही है। अब आप पता है कि पिछली बार का मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितनी वैकेंसीज थी और कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। ठीक है, तो आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। उनको पता है कि एक दिन में मेंस कराना है तो मेंस एक दिन में हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जितने मैं नंबर आपको बताऊँगा यदि इस रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी करें, क्योंकि आपका मेंस बहुत जल्दी हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये आपका जो मेंस है वो लास्ट फरवरी में होगा और स्टार्टिंग मार्च इसी में हो जाना चाहिए, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले आपके स्किल की डेट आ गई थी। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आप तैयारी करते रहें और जो भी आपका नंबर हो जिस रेंज में यदि आ रहा है तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन करें, क्योंकि यदि आप लेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पुराना डाटा क्या हुआ था। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये 2021 वाली कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वैकेंसी भी आपको पता है 7,500 के आसपास वैकेंसी थी, लगभग 7,500 के आसपास समझिए। और उसमें ये थर्ड है, इसमें देखो थर्ड लिस्ट आती है, इसमें सभी लोग होते हैं कॉमन। देखो जो लिस्ट फर्स्ट में होते हैं उनका भी नाम होता है, लिस्ट सेकेंड वालों का सबका नाम इसमें ज़रूर आता है ना जो क्वालिफाई होते हैं। तो आप देखेंगे कि जब 7,500 के आसपास वैकेंसी तब यहाँ पर टोटल 113,848 कैंडिडेट का मेंस कराया गया था। वो बात अलग है कि पहले मेंस टीयर थ्री सब कुछ हुआ करता, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि आप ये थोड़ा सा मोटा मोटा यदि 8,000 का भी यदि मल्टीप्लाई करें तो लगभग 15 गुना के आसपास ये लोग कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं। अब यदि हम 15 गुना भी उठा के लेके ना चलें और मान लो 20,000 के आसपास वैकेंसी 20 से ज़्यादा होगी, तो मान के चलो 20 गुना का भी 20,000 का 15 गुना करेंगे तो 30,000-3,00,000 होगा। और 20 से बढ़ गई और मान लो 15 गुना नहीं होता, फिर भी मेरा जो अनुमान है वो लगभग 3,00,000 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे आपके प्री में। ठीक, वो बात अलग है कि पेपर आपका इजी आ रहा है, फिर भी आप जब कंपैरिजन देखेंगे तो जो मैथ में हो रहा है कि मैथ बहुत ईजी है, तो आप सीएसएल पे आप देखिए अभी जो सीएसएल का रिसेंट एग्जाम हुआ ऐसे ही थोड़े बहुत कम ज़्यादा मैथ उसमें भी आ रही थी। ठीक, तो इफेक्ट तो पड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वैकेंसी ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और तो देख लेते हैं अब कितनी कट ऑफ जाएगी। तो ये मेरा लगभग अनुमान है कि इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, और देखो आप कुछ नहीं कर सकते, अब इसमें एक आइडिया लगा सकते हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, उल्टा सीधा ये सोचें कि आप प्रीवियस की कट ऑफ उठा के देख लें 2019-20-21 की, और उसमें ये देखेंगे कितनी वैकेंसी थी और कितनी कट ऑफ जा रही, तो आपको खुद एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्या बन रहा है। ठीक, अब देखो इस बार क्या है ना, पेपर का लेवल लगभग एक लेवल पे थोड़ा सा बन के आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। हाँ, कुछ शिफ्ट में है जिसमें 7-8 नंबर का डिफरेंट पड़ेगा, और मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस रेंज में यदि आपके नंबर आ जाएं तो आप बिल्कुल जम की तैयारी करें मेंस के, और आपका सिलेक्शन होने के बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि मेंस के नंबर जोड़ लें फिर तो सिर्फ क्वालीफाइंग है। तो देखते हैं कितना कट ऑफ रहेगा। तो यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं और मैं जो नंबर आपको बता रहा हूं, तो इसमें आप प्लस माइनस का 3 लेकर भी चलना है आपको गैप का। ठीक है, तो इससे माइनस के भी 3 आ जाए तो भी आप कोई टेंशन ले नहीं, क्योंकि अभी तो आंसर किया ही नहीं, अटैम्प्ट के बेस पे मैं बना रहा हूँ। ठीक, तो ये भी फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर किया जाएगा तो एक एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा तो और अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि इस रेंज में आपके नंबर आए तो आपका सिलेक्शन के बिल्कुल चांसेस हैं। यूआर 120 से 125 और ओबीसी के 110 से 115, ऐसे यदि ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 100 से 105, एससी की बात की जाए तो 85-90 और एसटी की बात की जाए तो 75-80 नंबर। यदि इस रेंज में आपके नंबर आए तो आप मेंस की तैयारी बिल्कुल करें, फिर आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ रह सकती है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।